चिरैया विधानसभा के अंतर्गत में विधायक प्रत्याशी मधुरेंद्र सिंह उर्फ मधु सिंह ने 25 सूत्रीय मांग रखते हुए शिक्षा सुधार एवं किसान विकास पत्र बात करते हुए अपनी राय ली। झंडा चौक से लेकर थाना चल जाए, उन्होंने बताया, बिहार में किसी ने इंटर कॉलेज किसान के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोच रहा है। इस मुद्दे को लेकर चिरैया विधानसभा में पहुंचा, मेरा सरकार बनता है सारे कार्य पूरा करूंगा। DLN 24 का संवाददाता के पूछने के बाद उन्होंने बताया, अगर टिकट नहीं मिला था तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा। चिरैया के जनता का समस्या किसी ने नहीं उठाया है, मैं विधानसभा में उठा लूंगा क्योंकि मैं जनता की भरोसा चलता हूं, जनता ही मेरा टिकट है, जनता ही मेरा दिल है। ये कहते हुए मधुरेंद्र सिंह जी ने वहां से झंडा चौक से लेकर थाना चौक तक मशाल रैली की। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर मास्क लगाकर लोगों ने चल रहा था शांतिपूर्वक रैली। संपर्क संवाददाता मनोज दास के साथ राजा कुमार साह की रिपोर्ट। सर, मधु सिंह जी के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जब से हम लोग जो होश संभाले अपने बाल अवस्था से लेकर अभी तक, तब से लेकर आज तक देखें कि जितने भी विधायक प्रत्याशी आए जीते, बहुत सारा पार्टी पॉलिटिक्स में सिर्फ जातिवाद को बांटने का लोग कोशिश किया, लेकिन जब हम लोगों ने इस चीज़ को समझा कि भावी प्रत्याशी में कुछ चेंजिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा कर्मठ उम्मीदवार हो, तो आम जनता के द्वारा चुना गया मधु सिंह को। मधु सिंह अपने सत्ता में नहीं आना चाह रहे हैं, बल्कि जनता की आवाज़ है कि मधु सिंह ऐसा ही चाहिए जो हर दुख सुख हर दर्द में, आज भी अगर मोतिहारी में किसी प्रकार का दिक्कत है, गरीब को जो है बेसहारे को सहारा बन करके एक जो है कि कांधे से कंधा मिला के मधु सिंह चलने का कार्य किया है। और हम सभी जनता का एक ही आवाज़ है कि चिरैया विधानसभा में अब की बार हम लोग ईट सीट बजाएंगे, ओनली मधु सिंह ही आएंगे, और मधु सिंह की आवाज़ किसी का जो है कि दूसरा का हम लोग जो है कि स्टेटमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ओनली मधु सिंह चाहिए। और हम सभी ने मिलकर के चिरैया विधानसभा में एक ही आवाज़ गूंजेगा कि ओनली मधु सिंह ही जीतेगा, इसके अलावा हम लोग के साथ दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, ओनली मधु सिंह चाहिए। सर, आप बताएं मधु सिंह के लिए, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजीव उपाध्याय है। क्या कहना चाहते हैं आप अपने नेता के लिए? यह विधानसभा में हम इतना बार इतना विधायक को देखे लेकिन इनके जैसा नहीं देखे। आज जहाँ खोजिएगा वहाँ मधु सिंह मिल जाएंगे, जिस समय खोजिएगा उस समय मधु चाहिए। सर, इस रैली का मेन उद्देश्य क्या है? इस रैली का रैली नहीं है, शिक्षा सुधार मसाल एक जुलूस है, रैली नहीं है। आज का जो मकसद, मैं सभी तमाम कार्यकर्ता जो इकट्ठे हुए हैं, इसका मूल मकसद है शिक्षा सुधार सप्ताह हम लोग मना रहे हैं आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर। राजस्तरीय सभी प्रखंड वाइज 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हम लोग शिक्षा सुधार सप्ताह मना रहे हैं, जिसके तहत 7 तारीख को जिला मुख्यालय में हुआ, अब 9 तारीख को प्रखंड में और 11 तारीख को प्रखंड में और 13 तारीख को पटना में हम लोग राज्यव्यापी शिक्षा सुधार 25 सूत्री मांग को लेकर, जो विगत कई वर्षों से सरकार से हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, उसी को लेकर आज हम लोग इस जगह इकट्ठा हुए हैं और जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सर, आपकी पार्टी जो है राजद महागठबंधन के साथ और या NDA के साथ मिलने वाली है? लोग ऑलरेडी महागठबंधन में है तो मिलने वाली क्या? सर, दुरुस्त जानकारी आप सरकार है तो सर आपकी टिकट, फिर आपको तो टिकट नहीं मिलेगी यहाँ? क्यों, ऐसा थोड़ा जाएगी टिकट नहीं मिलेगी, जिसका जो काम होता है ये तो बड़ा काम है, पार्टी के ऊपर का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन लोगों का काम है, मेरा काम करता हूँ, अगर मेरा जनाधार अच्छा होगा, जनता मुझे एक्सेप्ट करेगा तो ये रिपोर्ट तो ऊपर जाएगा। सर एक मिनट, यहाँ पर जो है कि पूर्व से राजद का अच्छेलाल यादव या लक्ष्मी यादव दोनों आदमी दावेदार हो रहे हैं और तीसरा आप भी। महागठबंधन एक बहुत बड़ा परिवार है और महागठबंधन के इतने बड़े परिवार में बहुत लोग अपनी अपनी लोकतंत्र है, इसमें अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, तो महागठबंधन को फैसला करना है कि दावेदार कौन होगा, प्रयास तो सभी लोग करते हैं, उसी दरमियान हम भी अपना प्रयास किए, अगर मेरी मजबूत प्रयास होगी। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आप लोगों को टिकट मिलती है, अगर छलाल यादव के मिलते हैं या लक्ष्मी यादव के मिलते हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, महागठबंधन परिवार जो है, अगर कोई परिवार का सदस्य आता है तो महागठबंधन लड़ेगी ना, ताकि वो सिंगल कोई। अब रहा बात मेरे लड़ने की, ये तो स्थिति स्पष्ट है कि सभी जनता का अगर मन होगा तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो जनता के ऊपर निर्भर कर रहा है जी, जनता अगर चाहेगी तो। कहना मेरा यही था सर, कुछ नहीं है, बात मैं तोड़ मोड़ के बात नहीं रखता हूँ ओपनली, कारण कि जिस दिन से मैं आया था उस समय हमारी पार्टी और जो भी था हम लोग अपने स्तर पर सेवा के बल पर हमने जनता के बीच में पहचान बनाई। धन्यवाद सर। पर्यटन जो उसमें विकसित नहीं होने के कारण ये उस स्थिति में पड़ा हुआ है। देवा प्रभाव
और आदि ग्राम मधुबनी आश्रम इन पांचों जगह को पर्यटन के रूप में विकसित करना मेरा मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य में मैं काम करूंगा और ये लक्ष्य कैसे होगा, एक युवा अगर ये भारत ने कह दिया तो पहले के नेता भी ऐसा ही करते आ रहे हैं कि भाई तो घोषणा सपना सब लोग दिखाते आया है, मधु सिंह अगर किसी बात पर रखेगा आपके बीच में तो काम कैसे होगा, उस काम करने के तरीके भी बताएगा, उसको करके भी दिखाएगा।